हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आराध्यास वर्ल्ड। और गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम खेलने जा रहे हैं एक गेम। तो गाइस, ये गेम बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। और गाइस, मुझे यकीन है ये गेम आप लोगों ने बचपन में तो जरूर खेला होगा। और गाइस, मुझे आपको याद होगा कि पहले आप शॉपकीपर के पास जाते थे, शॉपकीपर को आप 1 रुपीज देते थे और शॉपकीपर आपको एक स्क्रैच कार्ड देता था। फिर आप उसे स्क्रैच करते थे और देखते थे हमें कौन सा नंबर मिला है, फिर उस नंबर का शॉपकीपर आपको गिफ्ट देता था। और गाइस, कुछ कुछ नंबर में तो गिफ्ट भी नहीं मिलता था, फिर हमारे 1 रुपीज लॉस हो जाते थे। फिर गाइस, मैंने सोचा कि मैं पूरे स्क्रैच कार्ड ले लूँ और मैं इसका पीछे का लॉजिक जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो गाइस, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ज्यादा प्रॉफिट किसे होता है, शॉपकीपर को या हमें। तो गाइस, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यही है वो गेम जिसकी मैं बात कर रही थी। और गाइस, इस गेम का नाम है मोटू पतलू गेम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोटू पतलू गेम। और गाइस, एक स्क्रैच कार्ड है 1 रुपीज का, देखिए यहाँ पे 1 रुपीज लिखा हुआ है। और गाइस, ये जो पूरा स्क्रैच कार्ड है, देखिए इसके साथ हमें ये स्क्रैच कार्ड से दिए हुए हैं। और गाइस, ये पूरा स्क्रैच कार्ड है 423 स्क्रैच कार्ड्स, और मतलब जो दुकान मालिक है उन्हें हमें देने पड़ेंगे रुपीज 423, मतलब 423 रुपीज दुकान मालिक को देने पड़ेंगे। तो अभी हम इस गेम में देखने वाले हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस। तो गाइस, चलो हम स्क्रैच करना शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा प्राइस कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्राइस है ये, देखिए ये 100 रुपीज की नोट। तो अभी स्क्रैच करके पता चलेगा हमें 100 रुपीज मिले या क्या मिले। तो पहला स्क्रैच करते हैं यहाँ से, तो 83, तो यहाँ पे है 83, तो 83 में 5 रुपीज मिले। गाइस, 83 में हमें 5 रुपीज मिले। वो तो हमने 1 रुपीज दे है और हमें 5 रुपीज मिले। वाओ गाइस, चलो जल्दी से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे स्क्रैच करने के लिए। नेक्स्ट है 67, तो यहाँ पे है 67, तो 67 पे क्या है। तो गाइस, 67 पे कुछ नहीं है, हमारे 1 रुपीज लॉस हो गए, पर कोई बात नहीं, हमने 5 रुपीज कमा ली है। तो अभी दूसरा स्क्रैच करते हैं। चलो, तो दूसरा क्या है, 57, तो 57, तो 57 भी नहीं है गाइस, हमारे फिर से 1 रुपीज लॉस हो गए। कोई बात नहीं, पर गाइस मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सारे स्क्रैच कर देती हूँ। तो गाइस, देखिए मैंने सारे स्क्रैच कार्ड स्क्रैच कर लिए हैं, बहुत मेहनत लगी है गाइस। और गाइस, ये जो रेड वाले मिले हैं वो हमारे प्राइजेस, और जो व्हाइट वाले हैं उसमें हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो गाइस, देखिए मैंने सारे प्राइजेस यहाँ पे लिख दिए हैं कि हमें कितने प्राइजेस मिले हैं और कितने नहीं। तो गाइस, 1 रुपीज के हैं हमारे पास 70, 2 रुपीज के हमारे पास है 60, 5 रुपीज के है 80, 10 रुपीज के है 60, 20 रुपीज के है 40, और गाइस जिसकी हमें उम्मीद थी 50 और 100, वो तो हमें मिले ही नहीं गाइस। गाइस मतलब ये जो छोटे छोटे प्राइजेस है वही हमें मिलते हैं, मतलब बड़े प्राइजेस हमें बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो गाइस, तो हमें टोटल मिले हैं 310, मतलब हमें टोटल मिले हैं 310। और हमें, आपको तो पता ही होगा गाइस, हमने शॉप मालिक को दिए थे 423 रुपीस और हमें मिले हैं 310 रुपीस गाइस। और हमारा जो लॉस हुआ है वो है 113 रुपीस का। तो गाइस, इस गेम का पीछे का लॉजिक तो मैं जान चुकी हूँ, आप भी जान चुके होंगे। और गाइस, इस गेम में हमें होता है सिर्फ लॉस, और जो शॉपकीपर है उन्हें होता है प्रॉफिट। और गाइस, ये जो हमारे लॉस के पैसे हैं वो किसे मिले हैं,
को, मतलब ये 113 रुपीस किसे मिले हैं? वो मिले हैं शॉपकीपर को गाइस, मतलब हमें हुआ है लॉस और उन्हें हुआ है प्रॉफिट। और गाइस ये गेम प्लीज आप ना खेलें, इस ये गेम तो हमने सिर्फ एक फन के लिए खेला था, आपके पैसे बर्बाद ना करें गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस आप तो देख ही रहे हो मुझे कितनी मेहनत लग रही है, तो गाइस इस मेहनत के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो मैं आपके लिए बहुत लाऊंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।